जा रही है, आओ तुहानू सीधा लै चलते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसके सबके प्रूफ मेरे पास है, ऐसी मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा, मैं उनमें से नहीं हूँ कि कुछ भी बातें कहता हूँ। ये कोई पत्रकार मुझे आज तक 35 साल में मैंने जो कहा उसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकता, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखा रहा और जो किया हुआ है वही बता रहा हूँ। ये जो बॉटल है इसका सैंपल मेरे पास है, मैं खुद 1.25 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूँ। अब इससे बायो प्लास्टिक बनती है, ब्राजील में अभी बन रहा है और ये 78 आवर में डिग्रेडेबल होता है और यूके में और अमेरिका में अभी प्लास्टिक इसका बन रहा है जो पेट्रोलियम प्लास्टिक के बराबर है उसका रेट। और इसलिए देश का किसान अगर ये 10 लाख करोड़ का जो प्लास्टिक हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है उसके बजाय अगर किसान बायो प्लास्टिक बनेगा और इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो ये सबसे बड़ा निर्णय हमारे सरकार ने किया। और एक बात थी, मैं 5 साल पहले, मैं नागपुर का सांसद हूँ, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है और हमने टॉयलेट का पानी 100 करोड़ रुपए बेचकर हम पैसे कमाते 100 करोड़, और अभी हमको 180 करोड़ मिलने वाले हैं क्योंकि हमने वो पानी और 2 पावर प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार भी लेती है, NTPC भी ले रही है। तो 180 करोड़ केवल टॉयलेट का पानी बेचकर कमाने वाली पहली महानगर पालिका हमारी नागपुर की। अब उस पानी से हम मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके बायोसीजी निकाल रहे हैं और जो स्लज निकलती है 650 टन जो हमारे शौचालय का वेस्ट है वो भी बायो डाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकालकर अभी हमने 450 डीजल की बसेस नागपुर शहर की हमने बायो CNG पर कन्वर्ट करने का निर्णय किया है और कल तक 38 बसेस हो गई है और 1.5 महीने के अंदर हमारी 450 बसेस बायो CNG पर चलेगी और इसको अप्रूवल ARAI का मिला है, इसके सिलेंडर बने हुए हैं और ये बहुत सस्ता है। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 60 करोड़ रुपए साल का घाटा है पर ये जो बायो CNG है ये 55 रुपए किलो है, इसकी कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है और इसलिए 1 किलो CNG इक्वल टू 1 लीटर 300 ml डीजल, यानी 85 रुपए का डीजल बराबर 55 रुपए का CNG, उससे पोल्यूशन भी कम होता है, इंपोर्ट भी नहीं होगा। और ये जो हमने CNG तैयार किया है अब इससे 60 करोड़ का घाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1 साल में जाएगा और अभी तो हमने तय किया हमारे कॉर्पोरेशन की 150 गाड़ियां है वो सब इसी पे चलेगी। और उससे भी आगे वाली बात बताने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप जो पंजाब हरियाणा में जो परली जिसको बोलते हैं राइस स्ट्रॉ आप जला देते हो उससे दिल्ली का पोल्यूशन होता है, हाँ, तो आप चुनाव के बाद किरण जी इनको लेके आइए, उन्हें 5 प्लांट डाले हैं परली, 5 टन परली से 1 टन बायो CNG निकलता है और मैंने हमारे यहाँ के ट्रैक्टर भी कन्वर्ट कर दिए, योगी जी ने उस ट्रैक्टर का उद्घाटन किया और वो बायो CNG जो है वो परली से तैयार होता है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, एनी बायोमास उसका यूज करके अभी हम लोग बायो CNG अगर बनाएंगे तो देश के लिए कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी मजबूत होगी, करीब 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी, इंपोर्ट बचेगा और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए पंजाब और हरियाणा में इसका पहला काम करना है, मेरी अमरिंदर सिंह जी से जब भी मुलाकात होती है तो मैंने उनको कहा कि एक बार आप देखने के लिए आ जाइए और ये प्रूवल है, मैं खुद तैयार कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके स्टैंड बाई ट्रांसपोर्ट मंत्री मेरे पास बहुत डिपार्टमेंट है इसलिए मैंने इसके स्टैंडर्ड भी पक्के कर दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के डीजल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डीजल बहुत हजार्डस है, पोल्यूशन करने वाला है और ये बायो CNG इसमें एकदम कोई पोल्यूशन नहीं होगा, बहुत कम होगा। और मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते अब इथेनॉल पे चलने वाली बाइक ऑटो रिक्शा TVS और बजाज में बना के ला गया, तो मैं किरण जी को कहूंगा कि आप अभी नगला नारा दीजिए कि चंडीगढ़ को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देने का काम करें और यहाँ की बसें, ट्रक, ट्रैक्टर अगर डीजल के बजाय बायो CNG, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो डीजल और CNG पे चलेगी तो बहुत बड़ा लोगों को राहत मिलेगी,
और पोल्यूशन दूर होगा। आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर मैं बहुत पीछे पड़ा था। हमने स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली लाया और 25% बायो एविएशन फ्यूल के लाया। रतन जोत, मोह, साल, करंज और टोली जो नॉन एडिबल ऑयल्स जंगल में होती है उसके तेल से बायो एविएशन फ्यूल बनाया और ये 50 रुपये लीटर पड़ता है, ये 70 रुपये लीटर से खरीदते हैं। अगर हमारा फ्यूल तैयार हो जाएगा तो किसानों को, वनवासियों को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा, पर आज तक ये हुआ नहीं। अब इसकी शुरुआत हमने की है और 26 जनवरी को दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें एयरफोर्स के सभी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ये बायो एविएशन फ्यूल पर चले और चले। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी के साथ चर्चा कर उनको कहा कि आपके जंगल में बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप प्रोडक्टिविटी और ऑयल परसेंटेज बढ़ाकर बायो फ्यूल तैयार करिए, तेल निकालिए और तेल से बायो एविएशन फ्यूल निकालेंगे तो 30,000 करोड़ इम्पोर्ट बचेगा और ये तेल सस्ता होगा तो कोई हवाई जहाज कंपनी को अपनी कंपनी बंद करने का अवसर आएगा नहीं। आज जो कुछ आया जेट बंद पड़े इसके कारण फ्यूल की प्राइस बढ़ी, तो पहली बार हमारी सरकार ने यह सब निर्णय किए हैं। और इलेक्ट्रिक बस जो हमने लाई आज तो मेरे हमारे शहर में, मैं और आपको अनुरोध करूंगा कि चुनाव के बाद 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है ओला की और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। और इसलिए आप बिल्कुल ये डिक्लेयर करिए कि 2 साल के अंदर चंडीगढ़ में डीजल पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल और CNG चलेगा और मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसके सब नियम बना चुका हूँ। और इससे चंडीगढ़ को, इतना सुंदर शहर है, उसको जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से अगर मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा काम होगा। और यहाँ की परली जलाकर उसके कारण पोल्यूशन होता है, तो मेरे पास मैंने 5 प्रोजेक्ट डाले हैं खुद, क्योंकि कोई मानता ही नहीं, विश्वास नहीं रखता। तो 5 प्रोजेक्ट में जो बायो CNG तैयार होता है 5 टन से 1 टन CNG, तो देखने के लिए आप आइए, जिसको भी संशय होगा और पत्रकारों को होगा तो वो भी आइए। और देश में हम लोग 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ये 8 लाख करोड़ अगर किसानों के पास जाएंगे, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश के किसानों के अनेक बेटों, करोड़ों बेटों को रोजगार मिलेगा और हमारा इंपोर्ट बचेगा और प्रदूषण कम होगा। ये सब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हमारी सरकार ने लाई है, पर दुर्भाग्यवश मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि इसको उतना महत्व नहीं मिलता। और इसलिए देश की तस्वीर बदलने वाली ये जो पूरी टेक्नोलॉजी जो है, ये एक नया विचार है, नए भारत की सोच है, जो मोदी जी कहते हैं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते, हमने बहुत टेक्नोलॉजी बदली है और रोड तो ऐसे बनाए हैं कि मैं आपको विश्वास के साथ गारंटी देता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे वो जिंदे हैं तब तक, फिर उनके बेटे जिंदे हैं तब तक, और फिर उनके बेटे जिंदे हैं तब तक, 3 पीढ़ियों में रोड पर एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा। ऐसे रोड आपका संबंध नहीं है, पर शिपिंग और पोर्ट्स में, पर अभी जो आपका भाकरानगर का जो कैनाल है, 17 मई को रशिया से हमने एक एयरबोट लाई है, उस एयरबोट को इंजन है लैंड क्रूजर का, टोयोटा का, पंखे हवाई जहाज के, और वो 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चलती है केवल, और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटा। और मैं इलाहाबाद से, अभी गंगा में तो हमने शुरू कर दिया, गंगा को शुद्ध किया, अविरल किया, निर्मल किया, सभी लोग इसके लिए दुआएं दे रहे, केवल 30% काम हमने किया है। और जलमार्ग भी बना, 80 लाख टन माल आज गंगा पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अभी मैं 17 मई के बाद वाराणसी जब जाने वाला हूँ तो इस बोट में बैठकर जाने वाला हूँ, और ये नए वाटर ट्रांसपोर्ट ये हमारे लिए नया साधन हो सकता है। अभी इलाहाबाद से वाराणसी हमने जलमार्ग बना लिया, इसीलिए प्रियंका गांधी बैठ के गई, अगर हम नहीं बनाते तो कैसे जाते। और हमने गंगा को शुद्ध बनाया इसीलिए पानी पी, नहीं तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री पिछले बार आए थे, स्नान न करते हुए चले गए, इतना गंदा पानी था। आज करोड़ों लोग आए, गंगा अविरल और निर्मल भी हमने बनाई। और वाराणसी से हल्दिया तक
हमने जलमार्ग बनाया, 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। अब वाराणसी से हल्दिया से बंगाल की खाड़ी में पानी पी ब्रह्मपुत्र का ड्रेजिंग किया, फिर बाराक का किया, और मैंने बांग्लादेश में जाकर मुंगली और चिद्गांव पोर्ट का भी ड्रेजिंग कर दिया 250 करोड़ खर्चा। और अब हम लोग दिल्ली की यमुना से जलमार्ग का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, उसका DPR तैयार है। मैं इतनी बातें बता रहा हूँ तो आप लोग सोचते होंगे आप मुझे कम जानते हो। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जब मुंबई में मंत्री था तब से मैंने वो समुद्र में जो पुल देखते हैं मुंबई में, वो मैंने ही बनाया था, वही बात है। ऊपर उद्यान पुल बनाए थे। आगे बढ़े और मुंबई पुणे हाईवे बना, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको 1% भी डिस्काउंट मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर चीज मैं करके दिखाऊंगा, मेरा भाषण मीडिया वाले रिकॉर्ड कर लेंगे।